और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की 26 सीट का अनुमान, जिसमें पहले तीन चरण में 26 सीट पर वोटिंग हुई और बीजेपी को 22 से 25 सीटें। ये देखिए तो फिर क्या, एक बड़ा बड़ा आंकड़ा जो एनडीए के पक्ष की तरफ जाता हुआ, जिसमें भाई 25 सीटें तक एनडीए खुद और 3 से 6 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही है, 6 सीटें जो इंडिया गठबंधन की तरफ ही। तो 26 सीट पर वोटिंग हुई थी और बीजेपी को 22 से 25 सीट मिलने का अनुमान, मैदान बिल्कुल क्लियर है और एनडीए को 22 से 25 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और इंडिया को 3 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। तो उत्तर प्रदेश की 26 सीट का अनुमान इतने बड़े बोल्ड लेटर में और कोई नहीं दिखा। अब सवाल ये कि अखिलेश यादव आज कह रहे थे कि 50 सीटें तो इंडिविजुअली वही जीतने जा रहे हैं, बिल्कुल कैसे जीतेंगे, इन आंकड़ों को देख करके तो ये दूर की गौड़ी नजर आती है। अब हालांकि चूंकि अभी तथ्य ये है, इनके पास ये दलील भी होगी कि भाई एग्जैक्ट का इंतजार कीजिए, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा जो ये सैंपल साइज है, वैज्ञानिक तरीके से हमारा जो सर्वे है, उन लोगों से जिन लोगों ने वोटिंग की उनसे उनकी राय ली गई है और बड़े प्रामाणिक तरीके से आंकड़ों को हम दिखा रहे हैं, उनमें ये उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो उनमें पहले तीन चरण में 26 सीट पर वोटिंग हुई थी और उस 26 सीट में 25 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास जाती हुई, 22 से 25 सीटें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। बीजेपी इंडिविजुअली 22 से 25, मतलब यहाँ पर वो अकेले ही चुनावी मैदान में और इसीलिए उनके पास कुल सीटें जो हैं वो 25 की जा रही हैं, 26 सीटें, हालांकि 3 से 6 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पास दिखाई जा रही हैं कि ये 3 से 6 सीटें इनके पास जा सकती हैं। यूपी की अगर बात करें, हालांकि विपक्ष को इस बात की बड़ी उम्मीद थी कि भाई एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर जो है वो काम करेगा और यहाँ पर हम अच्छा गेन करेंगे, लेकिन गेन होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है उस पर भी जवाब लेंगे क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है और जानने और समझने की कोशिश भी होगी। साउथ में जहां पर शून्य था वहां से अब बीजेपी अगर आगे बढ़ रही है तो अब देखिए हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े, बीजेपी गदगद है, बीजेपी गदगद है, इन आंकड़ों को देखकर तो खुश। और बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त अजय निषाद जी जुड़े हुए हैं और सबसे पहले आपसे ही जुड़ लूं, आपका स्वागत, क्योंकि आप इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपने देख लिया होगा कि भाई सब कुछ बल्ले बल्ले है, सब कुछ ठीक ठीक है, अच्छा अच्छा है, तो हमने दिखाई दिया बिल्कुल। अब आपके लिए आसान हो जाएगा प्रतिक्रिया देना इन आंकड़ों को देखकर, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए ये तो आपके लिए और दर्शकों के लिए आज बताया जा रहा है, हम लोग तो पहले से ही मान करके चल रहे थे कि पिछली बार 39 सीट हम लोगों ने जीता था, उस एक सीट की जो कसर रह गई थी इस बार के लोकसभा चुनाव में हम लोग 40 की 40 सीट जीतने में कामयाब होंगे। जैसा कि इस बार किशनगंज से जो हमारे प्रत्याशी थे उनके हेलो उनके प्रचार के लिए जो हमारे दल से जो लोग गए थे, एनडीए से जो लोग गए थे, स्वयं हम लोगों ने एक जगह पर फीडबैक लिया, उस फीडबैक के आधार पर मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इस बार हम लोग किशनगंज की भी सीट जीत रहे हैं, सिर्फ किशनगंज ही नहीं पूरे बिहार की सभी 40 सीटों पर हम लोग विजयी होंगे। और स्वयं मैं कई क्षेत्रों में भी गया हूँ, वहाँ के मतदाताओं से मैंने स्वयं संपर्क किया, वहाँ के मैंने वहाँ के लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया, उस बातचीत के आधार पर मैं आश्वस्त हूँ कि बिहार की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है बिहार के लिए 14 में आपका कितना और देखिए बड़ी